प्रॉपर्टी तो हमने बेची ही नहीं है, अब हम कागज कहां से लेके आएंगे? लेकिन उसे प्रॉपर्टी के कागज आखिर चाहिए क्यों? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम सीआईडी की हेल्प ले रहे हैं? हो भी सकता है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी की जा सकती है। बाबूजी की इतनी जान पहचान तो है कि नकली पेपर्स हम लोग बनवा सकते हैं। भैया वो सब ठीक है, लेकिन अगर हमें नकली कागजात बनाने तो हमें बहुत सारे विभागों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बात खुल सकती। हाँ माधव, वैसे भी उसकी बहुत जान पहचान, इसे कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। तो सूरज सिंह, अब हमें उसी की हेल्प लेनी होगी। आप ठीक कह रही हैं सरोजा जी, आप ऐसा कीजिए, बात कीजिए। हेलो सूरज, डोंट वरी सरोजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो अगर ऐसी बात है तो मैं पुख्ता पेपर्स तैयार करवा लूंगा ताकि वज्रराज को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से भी कंफर्मेशन मिल जाए। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वज्रराज ऐसा क्यों कर रहा है, और डर लग रहा है हम लोगों को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपनी तरफ से श्योर होना चाहता है। अच्छा देखो सरोजा, तुम एक काम करो, वज्रराज को ये कहलवाओ कि पहले हम बच्ची को देखेंगे, उसके बाद ही हम पेपर्स दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। बाय। भैया। हाँ बोल। हाँ वज्रराज, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें हमारी भतीजी से मिलाना होगा ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। वज्रराज सिर्फ अपने शर्तों पर चलता है। बच्ची को देखने का शर्त है प्रॉपर्टी का कागजात, और उसे यहां से ले जाने का शर्त है पूरे 1 करोड़ नगद। अगर थोड़ी भी देर किया ना तो मेरे शर्तें बढ़ती रहेगी। रखते हैं। अरे लेकिन हमारे पास अब कोई चारा नहीं, हमें वज्रराज की सारी शर्तें माननी होंगी। होपफुली ये हमारे इंतजार की आखिरी रात होगी।